नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल का आइकन अवश्य ही दबा लें, जिससे कि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप इस वीडियो को पहले देख सकें, इस चैनल के सभी वीडियोज को आप पहले देख सकें और अपना कार्य सिद्ध कर सकें। मित्रों, आज हम एक नया टॉपिक आपके पास लेकर के आए हैं और आप सभी लोग सहमत ही होंगे इससे, क्योंकि यह कार्य अति आवश्यक है। उसके पहले मैं अपने साधना शिविर की जानकारी दे देना चाहता हूं कि 18-19 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कानपुर में साधना शिविर का आयोजन कर रहा हूं। 18 और 19 जनवरी को 2019। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो लोग इसमें अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं वो शीघ्र पंजीकरण करवा लें, क्योंकि अब पंजीकरण की तिथि ज्यादा दिन नहीं चलेगी और समय से ही पंजीकरण करवा लें, जिससे कि आपका स्थान सुरक्षित हो सके। मित्रों, आज मैं ये आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप कहीं के भी हों, आप विश्व में कहीं के हों, भारत के ही नहीं कहीं के भी हों, इस बात को नोट कर लें कि हर उस व्यक्ति के साथ हम हैं, जो व्यक्ति सताया हुआ है, जिसके प्राणों पर संकट है, जो नाहक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो ऐसे लोग कुछ विशिष्ट साधनाओं को कर लें और उन विशिष्ट साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन को उच्चतर स्थिति तक आप ले जाएं, जहां तक आप ले जाना चाहते हैं वो स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि आप पूर्ण मनोयोग से उस साधना को करें। दूसरी बात ये कि अभी हम केवल भारत के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि भाई, जिस व्यक्ति को प्राणों का संकट हो, किसी से किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो, जिसमें प्रशासन का सहयोग लेना आवश्यक हो गया हो, या एनजीओज का, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका सहयोग लेना आवश्यक हो गया हो, ऐसी परिस्थिति में जब आपकी कोई बात ना सुन रहा हो, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हमसे आप संपर्क तो अवश्य कर लें, चाहे कमेंट के माध्यम से कर लें, चाहे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा उस पर कर लें, तो आपकी समस्या का समाधान हम चाहेंगे कि जल्दी से हो सके। लोगों को जानकारी नहीं होती है कि किस समस्या की शिकायत कैसे करें, तो यहाँ पर कोई आप किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ या किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ या आपका कहीं क्षेत्रीय काम हो तो उसके लिए संपर्क न करें। अभी मेरी इतनी मेरे संस्था की इतनी स्ट्रेंथ अभी नहीं है कि भारत के हर कोने में जाकर के हम इन समस्याओं को सुलझा सके। हम केवल उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके प्राणों पर संकट आ गया हो, किसी वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, या कहीं फंसे हुए हैं, बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, या उनका कहीं यौन शोषण हो रहा है, महिलाओं का, है ना, महिलाओं का और छात्राओं का, या जिसका भी हो, तो ऐसे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे ऐसे लोगों को कि उनको न्याय मिल सके। पूरे भारतवर्ष में, चूंकि भारत सरकार का आधिपत्य क्षेत्र भारत ही है, अभी हम विदेशों की बात नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर हमारा उतना वहां की सरकारों के साथ कोई तादाद में नहीं है, और ये नहीं कह सकते कि वहां पर अगर हम कोई बात रखेंगे तो वो बात मान ही ली जाएगी, पर भारतवर्ष में तो ऐसा संभव है। या तो हम आपकी शिकायत के माध्यम से उच्च अधिकारियों से या सरकार तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, एनजीओ के माध्यम से, महिला आयोग से, और या फिर जो है सीधे कोर्ट के द्वारा आप लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हम इसीलिए ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिनकी वास्तव में दिक्कत है, जो
घुट घुट करके जी रहे हैं और जिनको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को जनहित के आधार पर, जनाधिकार के आधार पर हम आपकी मदद करेंगे और वो मदद बहुत जल्दी आपको मिलेगी। और जब आप लोग उस अपनी समस्या से छूटेंगे, जब आप वहाँ से रिलीफ हो करके आएंगे, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, जैसे मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ कि आमिर खान जो भारतीय सिनेमा के अच्छे अभिनेताओं में से एक हैं, एक कार्यक्रम उन्होंने चलाया था, टेलीविजन पर बहुत ही प्रसारित हुआ था और उसमें कई लोगों को वो नई राह दे रहे थे, नई शिक्षा दे रहे थे। तो एक बार कहीं पर एक पति पत्नी थे जिन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ विवाह कर लिया था, एक जाति के नहीं थे तो उनके माता पिता को ये मंजूर नहीं था, तो इन्होंने, आमिर खान जी ने उनको अपने कार्यक्रम में बुलाया, उनको सम्मानित किया, उनको लोगों के सामने उनकी प्रशंसा की। इसके बाद वो दंपति जब चले गए तो वो जो लड़का था, लड़के की हत्या कर दी गई। ये आनर किलिंग का मामला था। तो पहली बात तो हम अपने सुधी जो हमारे दर्शकगण हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग इस प्रेम प्यार और इश्क मोहब्बत के चक्कर में कतई न पड़ें, क्योंकि इससे क्या है कि केवल समाज में आपकी हंसी ही होती है, समाज के लोग आप पर हंसते ही हैं और बदनामी भी होती है घर की, परिवार की। तो प्यार मोहब्बत तो बिल्कुल उसके चक्कर में न पड़ें, जहां माता पिता आपके विवाह करावें आप वहां पर शादी करें, सबसे अच्छी बात ये होगी और सनातन धर्म में यही श्रेष्ठ भी है। लेकिन अगर यदि आप ऐसा कुछ कर चुके हैं या किसी प्रकार से अगर आप ऐसी बाधाओं से घिर चुके हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं और प्रोटेक्शन आप पा सकते हैं। ऐसे लोगों को न्याय दिलाना, ऐसे लोगों की सुरक्षा के बारे में और ऐसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है मानवता के नाते। मित्रों, हमारे क्षेत्र में एक ब्राह्मण थे, वो अध्यापक थे और उनका जो है प्रेम हो गया एक पिछड़ी जाति की लड़की से। तो वो पिछड़ी जाति के जो लोग थे, जाति तो मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये ठीक नहीं है, और क्या कहें उसको हम, इस लड़की के पिता को या लड़की के भाइयों को, कि इन लोगों ने जाकर के कोर्ट मैरिज कर ली और वो लड़का जो था ब्राह्मणों का, जो अध्यापक था, अच्छी खासी उसकी अच्छी खासी नौकरी थी, उस घर में अगर उनकी बेटी चली गई थी, प्रेम विवाह कर लिया था, तो कोई गुनाह नहीं किया था। ये उनके पास गए और बोले कि ठीक है, आपने विवाह कर लिया है, अब इस लड़की को कम से कम हमारे घर आप भेजिए, अब हम रिश्ता चलाना चाहते हैं। तो पंडित जी ने विश्वास में आकर के कि चलो इनकी बेटी है और ये अच्छी शुरुआत होगी कि अगर रिश्ता चल जाए, तो उन बेचारों ने तो कंप्रोमाइज़ किया कि चलो हम पत्नी को भेज देते हैं, मायके रह आएगी, इसके बाद दो चार दिन बाद ले आएंगे। लेकिन उन दुष्टों ने क्या किया कि लड़की को घर ले जा करके लड़की को मार डाला। काफ़ी दिनों तक तो पता नहीं चला, बाद में जब वो गए वहाँ पर पता किया तो वो लड़की नहीं मिली, फिर मुकदमा वगैरह हुआ। भले ही मुकदमा चले लेकिन वो लड़की तो लौट करके वापस आने वाली नहीं है, और वो शिक्षक महोदय भी जीवन भर इस बात को पछताते रहेंगे कि अगर मैंने उस लड़की से प्रेम विवाह किया था तो उसकी सुरक्षा मेरा दायित्व था, मैंने उसको भेज क्यों दिया। तो मित्रों, ऐसी दुर्घटनाएं समाज में होते हैं, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ऐसा कर्म करें ना आप जिससे कि परिवार आपके खिलाफ हो जाए, और यदि वो हो ही गया है
तो जीवन भर उस पत्नी का या उस पति का साथ निभावे। मैं देखता हूँ कि प्रेम विवाह अरेंज विवाह से पहले टूट जाते हैं। अरेंज विवाह तो एक बार चलते रहते हैं, प्रेम विवाह साल दो साल बाद इनमें तलाक की नौबत आ जाती है। तो भाई आप लोगों के ये कौन सा प्रेम है, क्या इसको प्रेम कहते हैं? नहीं कह सकते। प्रेम करो तो प्रेम करो, मतलब आध्यात्मिक प्रेम करो, उससे आंतरिक प्रेम करो। यह प्रेम किसी के धन को हड़पने के लिए नहीं होना चाहिए। यह प्रेम केवल किसी के सौंदर्य को लूटने के लिए नहीं होना चाहिए। और कुछ दिन बाद जब आपका मन भर जाए तब आप उसको छोड़ने की बात सोचने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अरेंज विवाह जो होता है उसमें पूरे समाज की सहमति होती है और रिश्तेदारों का दबाव होता है। प्रेम विवाह में ये एक तरफा फैसला होता है लड़की और लड़के का मिल करके। इसके बाद जब लड़की और लड़के में कोई दिक्कत आती है तो कोई उनका बीच में बीच बचाव करने वाला नहीं होता, और ऐसे नासमझ मूर्खों को पति और पत्नी के संबंध के बारे में पता भी नहीं होता है। भारतीय साहित्य, भारतीय आध्यात्मिकता, हिंदू धर्म के गौरव को वो ठगने का काम करते हैं। अरे एक बार अगर विवाह कर लिया है तो एक जिंदगी उसके साथ पूरी गुजारिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, मैं दोनों के लिए ही बात कहता हूँ। अगर पति पत्नी के बंधन में आप बंध ही गए हैं, उस बंधन को वैध बनाइए। आप किसी पंडित के यहाँ जा कर के बाकायदे उस प्रक्रिया को करिए, या आर्य समाज या कैसे भी आपने विवाह कर लिया है तो मान्यता दीजिए। अगर मंदिर में किया है या कोर्ट में किया है मान्यता दीजिए, और उसके साथ जब अगर आप जीवन भर नहीं रह सकते तो मत करिए विवाह। और प्यार करने का भी आपको कोई हक नहीं बनता है, कैसा प्यार? तो सभी लोगों से यही कहना कि अगर फंस ही गए हैं, अब जान पर बन ही आई है, तो वो लोग संपर्क करें, और संपर्क करते ही उनको सब प्रकार से सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा और उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एक जीवन अगर चला जाता है, अनर्कलिंग हो जाती है, मृत्युदंड मिल जाता है आपको, तो कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस, कोई संविधान जीवन नहीं लौटा सकता। वो उन दुष्टों को दंड दे सकता है, ये बात अलग है, कब देगा दंड, कब तक? भारतीय शासन प्रणाली में तो दंड भी बड़ी देर से मिलता है। तो कृपा करके आप उससे बचें। पहले तो यही करें कि अपने आसपास के जो थाना, पुलिस स्टेशन जो भी है, कोर्ट में आप सुरक्षा की गुहार लगाएं। अगर आपको लगता है कि नहीं, जीवन बचना कठिन है और यहाँ पर ये पुलिस भी मदद नहीं कर रही है या जो भी है, तो आप सीधे आप उस स्थान को छोड़ दें और कहीं और अपना निवास बना लें, और अपने विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए आप अदालत की शरण तो ले ही लें, अदालत में कोर्ट मैरिज करें, उसको बना लें। दूसरे ये कि अगर आपके पास आय का साधन नहीं, सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि प्रेम तो कर बैठते हैं लोग, आय का साधन नहीं होते, अब पत्नी को खिलाएंगे क्या? तो ऐसे लोग जब कोई साधन न मिले तो आप जरूर बताइएगा, तो कुछ ऐसा किया जाएगा कि आपका आय का क्षेत्र बढ़े, आपकी मदद हो सके जैसे भी। और समाज के उच्च वर्ग के लोग जिनके अंदर धार्मिक भावना है, ऐसे लोगों के लिए हमारे संस्था को, हमारे चैनल को अनुदान करें, जिससे कि ऐसे लोगों की हम मदद कर सकें। ये करबद्ध है, आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है। बाकी वो लोग यहाँ आएंगे अगर, या कहीं भी रहेंगे, हमारे उसमें रहेंगे, तो हम एक बार उनको कानून की मदद जरूर देंगे, कानून के साथ साथ उनके आय के प्रबंध का, मतलब नौकरी करना है, बिजनेस करना है, धंधा करना है, कैसे करना है, और साथ ही साथ अगर वो किसी साधना को सिद्ध कर लेंगे, साधना को कर लेंगे, तो उनकी सुरक्षा अपने आप वो शक्तियां करने लगेंगी। आज मेरा कहने का यही उद्देश्य था
क्योंकि लोग जानकारी के अभाव में अपने जीवन को समाप्त हो जाने देते हैं, समाप्त कर लेते हैं अपने जीवन को। समय पर दवा न मिलने से बीमार का विनाश होता है, समय से सहायता न मिलने से कार्य का विनाश होता है, और समय से अगर किसी को सुरक्षा न मिले तो उसके जीवन का विनाश होता है। इसलिए समय रहते यदि आपको पता चल गया है तो जरूर संपर्क करें, कोई न कोई तरीका हम निकाल करके आपकी कैसे भी मदद कर लेंगे। कहीं फंसे हुए हैं तो शासन प्रशासन की मदद ले करके और हम उसको आप लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे, ऐसा हमारा विचार है और ऐसा हमारा संकल्प है। हमने जीवन धारण ही इसलिए किया है कि कुछ ऐसा करके जाएं कि मृत्यु के पश्चात भी, मेरी तो भाई इच्छा है, आपकी हो न हो, मेरी इच्छा है कि मृत्यु के पश्चात हजारों सालों बाद भी मेरा जिक्र संसार के लोग आदर के साथ करते रहे। ये मेरी हॉबी है, ये मेरी हॉबी है, और इसीलिए मैं जी रहा हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चैनल के माध्यम से पूरे विश्व से जुड़ा हूँ। अच्छा, जो भारत के बाहर के लोग हैं वो कैसे सहायता प्राप्त करेंगे? वो लोग भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, बात करके, मानसिक धरातल पर कोई साधना करके, कोई गोपनीय युक्तियां उनको दे सकते हैं। अब वहां चूंकि हमारा दखल अभी नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हमारे से जो सहायता उनको मिलेगी वो अपने आप में अलग होगी और सबके लिए होगी। तो भाई एक और शर्त है कि हम केवल अच्छे लोगों की मदद करेंगे, जो लोग वास्तव में मदद के लायक होंगे उन्हीं की मदद करेंगे, गलत लोगों की, पापियों की, दुष्टों की मदद कोई नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा, और जो करता है उससे वो करवा ले जाकर के, मैं तो नहीं करने वाला। इसलिए ये बात जरूर ध्यान में रखें। तो मित्रों, अभी इस वीडियो का समय समाप्त हो रहा है, मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।